अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा सलीम है। मैं कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र एक्सपर्ट हूँ। इस वक्त मैं होलिस्टिक केयर क्लिनिक DHA वाई ब्लॉक में प्रैक्टिस कर रही हूँ। ग्लूटाथायोन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं आज मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले ग्लूटाथायोन क्या है? ये बेसिकली एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी में वैसे भी मौजूद होता है, लेकिन इसकी एक ख़ास मिकदार से हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट्स अचीव होते हैं, यानी कि जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस मैकेनिज़म्स के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं, ये उनको डिटॉक्सीफाई करता है, बॉडी से उनको रिमूव करता है, जिसके नतीजे में एक अच्छा इम्पैक्ट, एक हेल्दी इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे, पूरी ओवरऑल बॉडी पे ही होता है, जो इसके साथ साथ स्किन पर भी होता है। तो स्किन में एक ओवरऑल ग्लोइंग इफेक्ट आता है। इसका डायरेक्ट हमारे मेलानिन पिगमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, जो रंग प्रोड्यूस करने वाला केमिकल हमारी बॉडी में मेलानिन होता है, इसका उसके ऊपर डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल हमारी बॉडी के को एक ग्लोइंग रिफ्रेशिंग अपेयरेंस देता है, जिसकी हेल्दी अपेयरेंस की वजह से हमें अच्छा महसूस होता है। और वैसे भी हमारी नेचुरल, जैसे हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, उस तरह एंटीऑक्सीडेंट का भी एक प्रोडक्टिव बेनिफिशियल रोल है। ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस कौन ले सकता है? इसका इंजेक्शन या इसके इंजेक्शन का कोर्स सब लोग ले सकते हैं, सिवाय उनके हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उनकी मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड, कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ना हो, शुगर का मसला ना हो, दिल की तकलीफ ना हो, लैक्टेटिंग मदर ना हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर ना हो, और प्रेगनेंट लेडी ना हो, कोई एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री ना हो, प्रिसीडिंग कोई ग्लूटाथायोन से रिएक्शन ना हुआ हो। ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो हम पेशेंट से प्रिसीडिंग हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ लेते हैं। इनको रूल आउट करने के बाद हम उनको ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस के लिए रोल कर देते हैं। अब फिर ये होता है, कुछ पेशेंट्स एक या दो इंजेक्शंस ले लेते हैं, उसके बाद उनको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अचीव नहीं होते, शायद प्रॉपरली उनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता या एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। एक या दो इंजेक्शन से हमें कोई इतना रिमार्केबल या फ़र्क नज़र नहीं आता, आपको कंप्लीट कोर्स लेना चाहिए एक एक हफ्ते के बाद एटलीस्ट 10 इंजेक्शन का, ताकि एक लोडिंग डोज उसकी क्रिएट हो जाए, डिवेलप हो जाए बॉडी के अंदर। इसके साथ आप खा क्या रहे हैं, रूटीन में आपकी डाइट क्या है, आपका स्ट्रेस का क्या लेवल है, और आप वैसे आप मल्टीविटामिन्स रूटीन में ले रहे हैं कि नहीं, सन एक्सपोजर कितना है, नाइट क्रीम कुछ अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, सीरम्स कौन से यूज़ करते हैं, स्किन टाइप क्या है। तो इसके साथ आपके स्किन टाइप को, आपके रूटीन को देखते हुए आपको एक कंप्लीट पैकेज दिया जाता है। 10 इंजेक्शंस का कोर्स होने के बाद आप एक मेंटेनेंस डोज पर आ जाते हैं, वो ओरल फॉर्म में भी हो सकती है, वो खाली लगाने की क्रीम से भी पेशेंट्स को बड़ा अच्छा इफेक्ट मिल जाता है। मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ, जैसे हर चीज़ को रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, घर को डस्टिंग की ज़रूरत होती है, गाड़ी को भी रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, बिल्कुल स्किन का भी यही मामला है। हम कोई एक चीज़ कर हमेशा के लिए उससे छुटकारा नहीं पा सकते, हमें हमेशा रेगुलरली अपनी स्किन की डेली जो हमारी स्किन की रूटीन है वो कैसी है, वो महीने में एक दफ़ा सेशंस या फेशियल्स देने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डेली स्किन के रूटीन के लिए क्या करें। तो आप अपनी डेली रूटीन के अंदर मेक श्योर करें कि आपकी डाइट हेल्दी हो, आप कार्ब्स को, फैट्स को, प्रोटीन को एक प्रॉपर मिकदार में ले रहे हैं, जंक को अवॉइड करें, प्रॉपर नींद लें, और अंधेरे में फ़ोन का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, टीवी का इस्तेमाल कम से कम करें, और ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें, अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। आप स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी किसी भी हॉबी को आप ज़्यादा रीइंफोर्स करें, वो बुक रीडिंग हो सकती है, वो वॉक हो सकती है, कंपनी विद योर गुड फ्रेंड्स, और एनफ स्लीप, वट एवर यू फील लाइक डूइंग फॉर योर सेल्फ, तो उसको ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेस को रिलीव करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आपके जहन में ग्लूटाथायोन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं या वाइटनिंग इंजेक्शंस, वाइटनिंग थेरेपी से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।